ये सिर्फ पानी भर नहीं है, ये पीड़ा का प्रवाह है। ये दिल्ली के दिल का वो दर्द है जिसकी टीस से दिल्ली वाले कराह रहे हैं। ये कुदरत का वो कहर है जिसका असर इतना व्यापक है कि पूछिए मत। ये न सिर्फ लोगों को घर से बेघर कर गया है, बल्कि जो घर में हैं, उनके लिए भी त्रासदी लेकर आया है। दिल्ली वालों पर वाटर स्ट्राइक का इफेक्ट सब्जियों पर दिखने लगा है। लोगों के घरों से सब्जियां लापता हो गई क्योंकि सब्जी मिल ही नहीं रही। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदीहा खान पहुंची मदनपुर खादर के इलाके में, जहां तमाम ठेले खाली पड़े मिले। ये वो सब्जी मंडी है जो सुबह तड़के से ही सज जाती थी। सब्जियां जो है ठेलों पर उतर जाती थी, गाड़ियां सब्जियों की आना शुरू हो जाती थी। लेकिन आज हाल कुछ ऐसा है यहाँ का कि ठेले खाली पड़े हैं, सब्जियां जो है वो काफी बासी और पुरानी लग रही हैं। ये सब की वजह है क्योंकि बाढ़ का असर दिल्ली पर देखा जा रहा है। इन खाली ठेलों के बीच एक ठेला ऐसा था जिस पर कुछ सब्जियां थी। मदीहा खान उस ठेले वाले के पास पहुंची, देखा कि जो सब्जियां थी वो भी पुरानी थी। सब्जी बेचने वाले से पूछा कि ऐसा क्यों, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुझे ये बताइए कि सब्जियां ताजी नहीं दिख रही हैं, क्या वजह? अभी तो देख लो, ये जो जमुना का जो बांध है इस पे पानी इतना आ गया हथनी कुंड से कि यहाँ जितने निचले हिस्से में जो खेत वाले रहते थे, कोई भी खेत वाला अभी है नहीं। सब खेत वाले अभी रोड पे ऊपर आ गए और उनका सबका जो जिसमें खेती बाड़ी करते थे उसमें पानी भर गया था। टमाटर की कीमतें पहले से ही डरा रही थी, अब तो मिर्ची, धनिया, भिंडी सब के दाम बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ तक कि आलू प्याज के भाव बढ़े हुए हैं। रेट क्या चल रहा है इस वक्त, अगर बात करें आलू का प्याज का, कितना बढ़ा हुआ है? ये तो बहुत डबल हो गया रेट। तो टमाटर हो गया 60 की पाव हो गया टमाटर, और 30 रुपए किलो प्याज है, और आलू भी 30 रुपए लगभग हो गया है, और मिर्ची का भी रेट कम से कम 200 के लगभग आ गया, 300 रुपए धनिया है। यह सिर्फ एक मदनपुर खादर के हालात नहीं है, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश यही स्थिति है। सब्जियां नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं उनके दाम आसमान पर हैं, क्योंकि मंडी में बाहर से गाड़ियां भी नहीं आ पा रही। सब्जी जाहिर सी बात है महंगी हो गई है, ताजी सब्जी आने में दिक्कत हो रही है। जो सब्जी बाकी मंडी से आती है, बड़ी मंडियों से, वो आ पा रही है? मंडी में तो अब गाड़ी आ ही नहीं रही, क्योंकि जहाँ से पहले गाड़ी आती थी वहाँ सारी सब्जियां सड़ गई है, टमाटर सड़ गए हैं, सब्जी जब खेती नहीं रहेगा तो सब्जी वो कहाँ से लाएंगे। दरअसल आजादपुर मंडी में बाहर से सब्जियां आती हैं, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन के बाद गाड़ियां जहां तहां फंसी पड़ी हैं। कई ट्रक लोड होने के बाद भी अपनी जगह से चल नहीं पाए। पंजाब, उत्तर प्रदेश से आने वाले ट्रक भी दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे, इसका असर साफ साफ दिख रहा है। दिल्ली में राज्यों पर हो रही बाढ़ जो है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से जो सब्जियां हैं वो कई इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है, और जिन इलाकों में पहुंच रही है वहां पर सब्जियों का हाल कुछ ये है कि सिर्फ बासी और पुरानी सब्जियां रखी हुई हैं, और पूरी तरह से ये मानो जैसे सड़ गई हो। ठेले पे रखी सब्जियां सड़ गई हैं, हाल बेहाल है। सब्जी और फ्रूट्स पे जो रेट है इस वक्त बहुत ज्यादा है। एक तरफ बाढ़ की आफत है, दूसरी तरफ महामारी का खतरा लोगों को डरा रहा है, और इन सब के बीच दिल्ली से फिलहाल सब्जियां गायब होती जा रही हैं। जाहिर है बाढ़ से कराह रहे दिल्ली वालों पर ये एक और नई मुसीबत है।